हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से बात करना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया के बारे में। यहाँ पे मार्केट 4 दिनों से बंद है। आपको पता होना चाहिए कि 4 दिनों से यहाँ पे फेस्टिवल सीजन के चलते मार्केट बंद है और सोमवार को मार्केट खुलने वाले है। इसी के बीच वोडाफोन आइडिया में बढ़िया खबरें निकल करके आ रही है, जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस है उनकी तरफ से बड़ी कमेंट्री यहाँ पे 5G ऑक्शन और Q4 के नंबर के ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी असर डेफिनेटली सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर दिखाई दे सकती है। तो पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ अगले हफ्ते के कैसे टारगेट रह सकते हैं वो भी आपके साथ डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे कि क्लोजिंग किस तरह की बुधवार को रही थी। तो बुधवार को क्लोजिंग अच्छी डेफिनेटली नहीं रही थी, बड़ी गिरावट देखने को मिली थी 2% की, ₹10.40 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी थी। तो पहले तो खबर है क्या है वो आपके सामने डायरेक्टली बात करना चाहूंगा। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे लेकर के आया हूं टेलीकॉम Q4 प्रीव्यू एवरेज रेवेन्यू पर यूजर सोर्स सब्सक्राइबर एडिशन टू सफर। मतलब कि यहाँ पे दो हाइलाइट्स की गई है कि Q4 में दो पॉइंट है जो कि सबसे ज्यादा ध्यान में रहने वाले हैं। एक तो आरपू में सभी की सभी कंपनियों को सोर करेगा, मतलब कि आरपू में बढ़िया जंप देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर के आसपास यहाँ पे 20-25% के प्राइस एक करी थी, जिसके चलते आरपू तो सभी की सभी कंपनियों का सोर करने वाला है। तो जो सब्सक्राइबर एडिशन का डाटा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चिंता का विषय हो सकता है। तो यहाँ पे JP Morgan की तरफ से ये पूरी की पूरी रिसर्च कंडक्ट करी गई है, जो कि मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया जियो प्लेटफॉर्म सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट 7-9% ग्रोथ इन एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। मतलब कि सभी के सभी कंपनियों में 7-9% का आरपू में बढ़ोतरी दिखाई दे सकते हैं, ऐसी बातें बोली जा रही है। यहाँ पे जो भारतीय एयरटेल का आरपू बताया जा रहा है 163 और यहाँ पे बताया जा रहा है जियो का आरपू 151 और वोडाफोन आइडिया का आरपू यहाँ पे 115। यहाँ पे जी हाँ, इसमें 5-7% की सिक्वेंशियल ग्रोथ दिखाई दे सकती है, ऐसी यहाँ पे बात बोली जा रही है। बात किसकी तरफ से बोली जा रही है? जेपी मॉर्गन के द्वारा। आगे और बताना चाहूंगा कि वी एक्सपेक्ट Q4 FY22 टू बी ए स्ट्रॉन्ग Q4 द टेलीकॉम कंपनीज विद द लाइकली टू रेवेन्यू एंड एबिटा ग्रोथ ऑफ 6-11% Q1 मतलब कि 6-11% का एबिटा में Q1 ग्रोथ आ सकता है। और इसके कारण बताया जा रहा है कि 20% की जो तारीफ करी थी इसके चलते ये जो क्वार्टर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आने की संभावना यहाँ पे जेपी मॉर्गन के द्वारा बताई जा रही है। एक तो ये खबर थी। अभी CLSA की तरफ से भी बड़ी यहाँ पे कमेंट्री निकल कर कह रही है कि जियो एयरटेल लाइकली टू सी रैपिड रेवेन्यू मार्केट शेयर गेन आफ्टर 5G ऑक्शन। मतलब कि 5G ऑक्शन के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि जियो और भारतीय एयरटेल में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर में जो है बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि वोडाफोन आइडिया यहाँ पे जो है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है मार्केट शेयर में, पर वो लाइकली है कि थोड़ा स्लो चले। मतलब कि वोडाफोन आइडिया की मार्केट शेयर थोड़ा स्लो ग्रो हो सकेगा, परंतु भारतीय एयरटेल और जियो का जो मार्केट शेयर है वो रैपिडली ग्रो होने की संभावना है, ऐसी बात CLSA की तरफ से भी बोली जा रही है। दो खबरें थी जो कि यहाँ पे निकल करके आ रही है सैटरडे को, और यहाँ पे मैं बताने जाऊंगा कि कारोबार की सिचुएशन बुधवार को किसी रही थी, और इसके बाद यहाँ पे मैं चार्ट पे लेकर के बड़ी टाइम फ्रेम पे अगले वीक के लिए टारगेट बताने की कोशिश करूंगा। NSE की वेबसाइट पे लेके आया हूँ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ₹10.40 पे क्लोजिंग, प्रीवियस क्लोजिंग ₹10.60, ओपन ₹10.65, हाई ₹10.75, लो ₹10.30, एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें ₹10.40। क्वांटिटी जो ट्रेड हुई थी वो 13.25 करोड़ शेयर की, 3.31 करोड़ शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी मोर देन 28% की है, जो कि मैं इसको डिसेंट मानूंगा। सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा, चार्ट पे सिचुएशन किस तरह की है वो हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो के साथ आप बने रहे। तो दोस्तों यहाँ पे वोडाफोन डे के चार्ट पे लेके आए हो, बड़े टाइम फ्रेम पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं वन डे की। यहाँ पे देखिए लगातार गिरावट की सिचुएशन थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं ₹9.50 के आसपास संभलने की कोशिश करी, और यहाँ से अच्छी बाउंस बैक भी नजर आई। बाउंस बैक था तब वॉल्यूम ठीक ठाक था, मतलब कि अच्छा था ऐसा बोल सकते हैं, आप देख सकते हो। परंतु अभी गिरावट की सिचुएशन में वॉल्यूम एकदम सूख चुका है, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर जाना, कम वॉल्यूम के साथ नीचे आना, ये अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है। मेरे ख्याल से 10 रुपये
जी हाँ, 10 रुपये 35 पैसे से लेके 10 रुपये का जो जोन है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है डेली टाइम फ्रेम पे। तो जब तक 10 रुपये ऊपर सस्टेन है मेरे ख्याल से यहाँ पे डेफिनेटली अभी पोजीशन बनाने का मौका है। जब भी बाउंस बैक होगा 11 साढ़े 11 का लेवल तक तुरंत आ जाएगा, उसके ऊपर 12 25 पैसे तक के लेवल मुझे लगता है अगले वीक में आपको डेफिनेटली दिखाई दे सकते हैं। RSI का लेवल 50 के आसपास है, तो मतलब कि RSI का लेवल डेली टाइम फ्रेम पे मीडियम के आसपास दिखाई दे रहा है, मीडियम रेंज के आसपास। तो मैं चाहूँगा दोस्तों वोडाफोन एक आप स्टडी करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्वार्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।